अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हमजा इस्लाम आज फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है एनिमल्स वर्ल्ड की जानिब से। तो गाइस, एनिमल्स वर्ल्ड पे स्पेशली जब से मैंने कैट्स रखी हैं तो मैं कैट से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो बट साहब जो उनसे, वो भी कैट लवर थे, तो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने कहा हमजा भी मुझे एक कैट गिफ्ट करे। मैंने कहा कोई मसला नहीं, घर में बेबीज हुए हुए थे काफी ज्यादा, मैंने उनमें से एक बेबी निकाला और मैंने अपने भाई को गिफ्ट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह। सही, क्या नाम है इसका? मानो। भट साहब ने इसका मानो नाम रखा है और माशाल्लाह तकरीबन 60 डेज का था जब मैंने बेबी इनको दिया है। तो माशाल्लाह कितने साल हो गए आपके पास भट साहब? चार साल। माशाल्लाह चार साल मानो को हो गए हैं और मानो ने भट साहब के घर में रौनकें लगाई हुई है, किटन ही किटन, कैट ही कैट, कि कोई भी इनके घर में आता है सबसे पहले कहता है यार आपने तो कैट पूरा जू बनाया हुआ है, इतनी कैट और सारी बहुत ही प्यारी, किटन भी बड़ी कैट भी। तो माशाल्लाह भट साहब कैसा फील करते हैं आप मानो के साथ? बड़ा अच्छा फील करते होंगे, बड़ा अटैच मतलब आप इसके साथ हो गए हो। तो मानो ने माशाल्लाह आपके इधर कितने ज्यादा मतलब काफी ज्यादा ब्रीड की होगी, तो कितने के किटेंस टोटल? मेरे ख्याल से 40-50 तो किटे इजीली आपके पास होंगे, 4 साल 45। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने इनको गिफ्ट दिया तो आगे से जितने भी बेबी हुए इन्होंने आगे गिफ्ट किए, डोनेट किए, कि जितने भी लोग हैं जो किटन रखते हैं, जो पेट लवर है। अब आज भी मैं इनके घर आया हूं तो उन्होंने कहा हमजा भी मसला बताऊं क्या? कुछ लोग होते हैं बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए कैट्स रखते हैं, ब्रीड करवाते हैं और आगे सेल करते हैं। हमने सिर्फ अपने शौक के लिए कैट्स रखी थी तो शौक में आपके से मतलब गिफ्ट लिया, उसके बाद माशाल्लाह हमारे घर में रौनकें लगी, कैट्स काफी ज्यादा होगी और हमें अच्छा फील होता है इनको टाइम एक्सपेंड करते हैं। दो रूम दिए हुए हैं, स्पेशली आप रूम दिखा सकते हैं, इसमें प्रॉपर डिजाइनिंग हुई है इनके लिए कि जरा अच्छा फील करे। इधर कैट्स का रूम है और जहाँ हम भी स्पेशली आए हैं आज के दिन बड़ी देर बाद, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आप सबको बताऊं कि आप किसी को भी कोई कैट गिफ्ट करते हैं तो उसको पता नहीं कितना अच्छा फील होता है। अब देखिए हमने कैट गिफ्ट की इनको, इन्होंने आगे काफी अच्छी फैमिलीज को गिफ्ट की जो उसकी प्रॉपर केयरिंग कर सकते थे। कुछ ऐसी फैमिलीज भी इनको मिली जिन्होंने मतलब जिनको इन्होंने कैट दी गिफ्ट की, और भट साहब का कहना है उन्होंने ओलेक्स पे लगा के 10,000 रुपए का किटन लगाया हुआ है। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा यार हमने आपको गिफ्ट दिया और आगे आप सेल कर रहे हो, तो इन्होंने क्या किया उधर से किटन ले लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट ही नहीं रखा। अब देखिए कोई आपको अगर गिफ्ट करता है तो उसकी आप सबसे पहले देखें, ये छोटा बेबी है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, देख सकते हैं हिमालयन इसको कहते हैं, डबल कोटेड में बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हैं। इसका फादर मैं आपको दिखाऊंगा, आपके पास है ये ना, मेरे कहने अभी न्यू ना इनके लिए तो ये डरते हैं, तो फेस देखें कितना प्यारा फादर का। ऐसे ही बेबीज जो उनसे वो भी बड़े प्यारे हैं और किटन्स देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे, बट साहब के घर में माशाल्लाह किटन्स ने उनके रोनके लगाई हुई हैं और मुझे बल्कि खुद अच्छा फील हो रहा है कि इसे कहते हैं प्यार, जो कैट लवर होता है ना उसे कहते हैं, ये बेहतरीन है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं किटन्स भी है, बड़ी कैट्स भी है, फादर भी है, तीन मेल है बट साहब, तीन मेल है, चार मेल है माशाल्लाह, उसमें से एक न्यूट्रेट करवाया हुआ है। हमें मेन चीज होता है कि अच्छी फैमिली हो जो केयरिंग करने वाली हो, जो पेट लवर हो। अब देखिए एक अगला इंसान आप पे इतना ट्रस्ट करे, आपको गिफ्ट करे, आगे आप सेल कर दो तो उसको काफी दुख लगता है इस चीज से। तो जैसा कि है मतलब कोई भी है जो पेट ले, जिसको दिल करता हो कि मैं कैट लेना चाहता हूँ, मुझे भी ढेरों मैसेज आते हैं डेली बेसिस पे कि हमजा भी हमें कैट चाहिए, हमें कैट चाहिए। वो क्या करते हैं, कैट उनको गिफ्ट की है, गिफ्ट करके उन्होंने कुछ दिन रखना है अपने पास, कुछ दिन रख के उन्होंने अपना शौक पूरा किया, आगे उसको दे दिया। जब आगे देते वो आगे से आगे, आगे से आगे कैट जा जाके बेचारी स्ट्रेस में चली जाती है, स्ट्रेस की वजह से वो फिर खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, तो बीमार हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ कैट्स ऐसी, काफी कैट्स हैं तो बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो कोशिश मेरी यही है कि आप कोशिश ये किया करें अगर कैट रखनी है आपने तो प्रॉपर फॉर एवर रखें। अब देखिए इनके पास कैट है, अब इनको अच्छा फील होता है। काफी लोग है जो कहते हैं हम फूड अफोर्ड मतलब रखने से पहले फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब ये काफी चीजें सोचते हैं। अब देखिए कोई भी आया आपके घर में, पेट आया या कोई मतलब हमारे घर में बेबी आता है न्यू, तो वो अपना नसीब खुद लेके आता है, इंसान किसी को कुछ भी नहीं खिला सकता। ये कोई भी है मतलब रब ने एक वसीला बनाया हुआ, कोई भी चीज आती है वो अपना नसीब खाती है। हम भी इधर आए तो अपना नसीब खाएंगे, कैट्स भी आई वो भी अपना नसीब खाती है। जैसे कि मेरे घर में मतलब कैट्स रखी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, रोनके लगी हुई है। और अच्छी बात ये चीज है कि कोई भी आपके घर में आए तो रिजर्व किसी के आने से कम नहीं होती, भले बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो माशाल्लाह कैट बहुत ज्यादा है, किटन्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। भट साहब आप ही जरा गपशप लगाए यार, हम भी बातें कर रहे हैं आप तो गपशप नहीं लगा रहे। तो माशाल्लाह किटन्स की रौनकें लगाई हुई है। अब काफी लोग हैं जो कह रहे होंगे हम सभी हमें किटन चाहिए,
तो हम किटन तो आपको देंगे लेकिन इसकी अडॉप्शन फीस होगी। अडॉप्शन फीस इसलिए होगी कि आपको हम दें, आप हमसे वो किटन जो लेंगे उसके जो प्रॉपर अच्छी मतलब केयरिंग करेंगे। ज्यादातर फ्री कैट देते हैं ना तो अगला बंदा ध्यान ही नहीं रख सकता। तो किटन मैं आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह फर्स्ट हैंड, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये तकरीबन 2 मंथ से अबव है, 2.5 महीने का है, ये 2.5 महीने का फीमेल है। फीमेल देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। अगर कोई इंटरेस्टेड है लेना चाहता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसके बाद फिर आपको एक और बेबी दिखाएंगे माशाल्लाह ट्रिपल कोटेड, आप देख सकते हैं भालू माशाल्लाह बेबी है, बहुत ही प्यारा फेस देखे माशाल्लाह एप्पल फेस में, और ये मेल है माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बेबीज है। तो ये मेरे ख्याल से जो फर्स्ट फीमेल आपको गिफ्ट की थी उसका बेबी है ना माशाल्लाह जी, जी हाँ जी। उसके बाद एक और दिखाएं माशाल्लाह ये, बल्कि आप बैठा आपके पास जरा रोल के लगाते रहे आस्ता आस्ता माशाल्लाह। ये देखे हिमालयन में किटन ट्रिपल कोटेड माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, 28 डेज इनकी एज है, सेल्फ फीड है, खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे तकरीबन 10 डेज और रखें और खाना वगैरह खाना स्टार्ट हो जाए फिर आपको दे सकें। ये देख सकते हैं ये मेल है माशाल्लाह, 2 मेल है माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। ये भी हिमालयन किटन है माशाल्लाह, ये मेल है फीमेल है, मेल है माशाल्लाह माशाल्लाह। आइस कलर देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद और भी कैट्स हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, किटन छोटा सा खाना खा रहा है, ये भी किटन है माशाल्लाह। फिर ये देखें माशाल्लाह ये मेल है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, देख सकते हैं डबल कोट में। और ये देखिए एक छोटा किटन और आया भाग रहा है, ओए कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह। देख रहे हैं कैट्स की तो कुछ कैट छुपी हुई है, आपको पता कैट्स पास नहीं आती, डरती भी है काफी ज्यादा, नीचे घुसी हुई है, लेकिन ये देखे माशाल्लाह मेल कितना प्यारा है। इससे कोशिश करेंगे दोस्ती करने की। मानो कैसे हो आप, फर्स्ट टाइम है ना इसकी कैट, थोड़ा सा डरते हैं। ओरियो नाम है इसका, ओरियो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मदर है। मानो मार्शनो मार्शनो आजू 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 पैसा पकड़े जरा, एक और कैट ये देखे माशाल्लाह ये भी है, आज आप भी ऊपर आ जाओ, एक और कैट है माशाल्लाह। मानो एक मिनट इधर आओ आओ, ये देखे माशाल्लाह देख रहे हैं ये फीमेल है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। अच्छा मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, आप इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ, सारी कैट्स इधर आ जाए, सब देख रहे होंगे मेंबर के हमदा भी, आपने तो माशाल्लाह कैट्स की रोन की लगाई हुई है, इतनी ब्यूटीफुल कैट माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, ये बेटी है इसकी जी, माशाल्लाह 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 बहुत ही प्यारी। इसके भी मेरे ख्याल से ये बड़े वाले इसके बेबीज हैं जी। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हमदा भी, अब देखिए जो कैट लवर होता है ना वो ये नहीं देखता कि मतलब देखिए कैट्स में ना काफी ब्रीड आती है, डॉल फेस, पंच फेस, सेमी पंच, पिकी फेस, काफी ब्रीड है। अब ये माशाल्लाह आपके सेमी पंच फेस है, कुछ डबल कोटेड बेबीज हैं, कुछ की सिंगल कोटेड बेबीज हैं, कुछ ट्रिपल कोटेड बेबीज हैं। तो काफी लोग हैं जो कहते हैं हमें ट्रिपल कोट पसंद है। अब देखिए जब ट्रिपल कोट आप बच्चा लेके आते हैं ना उसकी केयरिंग भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके बाल शेड होते हैं, जब बाल शेड होते हैं फिर आप कहते हैं यार कैट्स के बाल बहुत ज्यादा शेड हो रहे हैं। तो उसके लिए काफी चीजें जो मैंने वीडियोस बनाई हैं कि ब्रश कैसे कर सकते हैं और भी काफी चीजें। तो बाकी मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, काफी दिनों से मेरा दिल कर रहा था आने का और आया हूँ व्हाट्सएप के घर और बड़ा अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह, इतनी कैट्स की प्रॉपर केयरिंग की हुई है और सारी माशाल्लाह वॉशरूम ट्रेन है। व्हाट्सएप दो रूम दिए हैं मेरे ख्याल से इनको, एक मेल है वो जरा फाइट करता है उससे थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, बाकी किटन दिखा दी आपको। इनमें से कोई भी इंटरेस्टेड है लेना चाहता है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन वो बंदा कॉन्टेक्ट करे जो उसकी प्रॉपर केयरिंग कर सकता है। और व्हाट्सएप कैसा फील कर रहे हैं, मजा आ रहा है आपको माशाल्लाह, बड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे। मेन कोई भी कैट रखता है तो वो स्ट्रेस रिमूव होता है, कितना मर्जी परेशान हो तो मतलब परेशानी दूर हो जाती है। पेट है ना पास लाते हैं, देखिए मेरा दिल करता है ये देखिए मैं इसको पास लाऊं, प्यार करूं, किस करूं, ऐसे आप सबका भी दिल कर रहा होगा कि हमारे पास भी कैट हो। बल्कि छोटे जो बच्चे देखते हैं वो तो कहते हैं हमें मामा कैट लेके दो, पापा कैट लेके दो, बल्कि पर्सनली छोटे बड़े भाई की माशाल्लाह बेटी है तो उसको भी स्पेशली मैंने कैट गिफ्ट की है कि वो खेले प्यार करे और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करती है बच्चे भी। तो बाकी जितना हो सकता है कैट्स एंड डॉग्स ही सपोर्ट किया करें, केयरिंग किया करें, बाकी वीडियो में जितनी नॉलेज दे सकता था मैंने दी आपको, बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी उम्मीद है जितना हो सकता मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।